This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So guys, welcome back to our channel Feenvest. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. आपको काफी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए जो अच्छे स्टॉक्स है उन्हें पाने में. तो कल के लिए जो मैंने आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो मैं आपको इसकी वीडियो की एंड में बता दूंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. देखिएगा आप जो मैंने आपके लिए लेटेस्ट ट्रेड में जो स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे उनका क्या रिजल्ट रहा. सबसे पहले स्टॉक था हमारा MGL. देखिए स्टॉक जो था हमारा गैप अप ओपन हुआ. गैप अप ओपन होने के कारण इसमें हमारी कोई ट्रेड नहीं हो पाई. आप देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पे तो ये कम से कम 15 पॉइंट का गैप हमें शो करके गया था यहाँ पे लगभग. अगला स्टॉक था हमारा AU बैंक. AU यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका पूरा नाम है. इसमें देखिए आपको जो था यहाँ पे हमारा जो था, देखिए मैंने आपको कहा था कि जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा उतनी बार आप उसे बाय करेंगे. तो इसमें देखा था पहला टारगेट प्राइस हमारा यहाँ अचीव हो गया था. फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी बार हमारा टारगेट यहाँ पे जाके, यानी कि दो टारगेट प्राइस हमारे यहाँ पे अचीव हो गए थे. शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस हमारे यहाँ पे आके इजिली अचीव हो गए थे. तो अगला स्टॉक था हमारा HEG, जिसमें हमारा बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे. बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए, दो बार इसमें आपको प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला. जैसा कि मैंने कहा था जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा उतनी बार बाय करेंगे. पहली बार में लेवल ब्रेकआउट हुआ, इसने आपको 60 पॉइंट जाके दिए. इसने अपना हाई बनाया 1680 का और हमने इसे बाय करने का बोला था 1618 पे. नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसने अपना बाय साइड का लेवल यहाँ जाके ब्रेक किया. दोबारा ब्रेक करने के बाद इसने अपने बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस दोबारा से अचीव किए. तो इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा. आखिरी हमारा स्टॉक था SBI कार्ड. ये दोनों जो स्टॉक थे हमारे लास्ट के, ये मैंने आपको दिए थे टेलीग्राम चैनल पे. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूँ. SBI कार्ड भी जो था गैप अप ओपन होने के कारण जो स्टॉक था उसमें हमारी ट्रेड नहीं हो पाई. अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता तो ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है. इसमें सिंपली हमें करना क्या पड़ता है, वेट करना पड़ता है 11 AM तक. 800 से बड़े स्टॉक में 11 AM तक, 800 से छोटे स्टॉक में 10:30 तक आप वेट कर सकते हैं. अब उसके गैप रिफिल होने का, गैप रिफिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा. तो ये था हमारा कुछ रिव्यू. बाकी हम मॉर्निंग में 400 to 700 की रेंज में स्टॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि 400 to 700 की रेंज में आपको स्टॉक्स चाहिए. चलिए बढ़ते हैं हम कल की कॉल्स की तरफ. 15 मार्च 2021 की कॉल्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने आपके लिए स्टॉक चुना है वो है हमारा टाइटन. टाइटन में आप बाय करके चलेंगे 1488.50 पे. एग्जैक्ट 1488 पे आप इसे बाय नहीं करेंगे क्योंकि देखिए रीजन है, कभी कभार इस लेवल पे आने के बाद स्टॉक जो है नीचे आ जाता है, आप बाय कर लेते हैं और आपको लॉस हो जाता है. तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसे बाय करेंगे. फर्स्ट टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रखता हूं. अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो रिकवर करने के बाद भी आपका एक ना एक टारगेट प्राइस अचीव हो, इसलिए पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल रखता हूं. दूसरा टारगेट प्राइस हमारा 1500 और तीसरा टारगेट प्राइस है 1510 का. स्टॉप लॉस है हमारा 1577 यानी कि 1576.50 पे आप इसका स्टॉप लॉस हिटमान के ट्रेड से बाहर आएंगे. एग्जैक्ट इस पॉइंट पे भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है. फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है जैसे ही आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव हो जाए और जब वो सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा कर रहा हो. ऐसे में क्या होता है, जो आपने अर्न किया है वो आपसे जाता नहीं है और आप ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते हैं. शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1476 का, यानी कि 1475.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे. टारगेट रहेगा 1471, 1460, 1450 का. स्टॉप लॉस रहेगा 1486 का. स्टॉप लॉस रहेगा 1486 का, यानी कि 1486.50 पे आप इसका जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे. एग्जैक्ट 1486 पे नहीं लगाएंगे. बाकी मैंने गैप अप गैप डाउन का रूल मैंने आपको समझा दिया. बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लेगा 11 बजे के अंदर अंदर. अगर नहीं लेता तो उस स्टॉक को छोड़ देंगे, जैसा हमने SBI और MGL को छोड़ दिया था. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. मॉर्निंग में 400 to 700 की रेंज में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आप मिनिमम 10 पॉइंट से लेकर मैक्सिमम 25 प्लस पॉइंट डेली के अर्न कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना डेली के शेयर्स बाय करने के बाद. 400 to 700 की रेंज में स्टॉक्स रहते हैं, उससे बड़े स्टॉक्स नहीं रहते. डेली के 15 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, 10 to 15 पॉइंट, और आप डेली का कितना अर्न कर सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं. तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ. आखिरी स्टॉक है हमारा टिमकिन, जिसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा 1304 का. टारगेट रहेगा 1309, 1315 और 1300
25 का स्टॉप लॉस रहेगा 1292 का, शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1290 का, टारगेट रहेगा 1285, 1276 और 1265 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1302 का। जो लेवल्स हैं कैसे ब्रेकआउट होंगे ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। एक बार लेवल ब्रेकआउट होता है, दूसरी बार लेवल ब्रेकआउट होता है, तीसरी बार लेवल ब्रेकआउट होता है, तीनों टाइम आप बाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका जो लेवल है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा, बट एक रूल मत भूलिएगा कि शॉर्ट सेलिंग का जो स्टॉप लॉस है आपको उसे शिफ्ट करना है सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पर, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल इस जो मैंने आज के स्टॉक्स आपको दिए और जो मैं टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक्स दूंगा उनके रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।